ए प्लस यानी ए एक्वस फॉर्म में है प्लस जिंक, हीट कर रहे हैं तो बी गैस मिल रही है। ए एक्वस फॉर्म में है प्लस सी, हीट कर रहे हैं तो PH3 गैस मिल रही है। ए एक्वस फॉर्म में है NH4Cl के साथ हीट कर रहे हैं तो डी गैस मिल रही है। तो तुम्हें ए से लेके डी तक बताना है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। निकलो आंसर, इजी क्वेश्चन है ये, इसको मेन सवाल तक ही मान सकते हो तुम। और ये इसमें जो रिएक्शंस है ना, 9 टन की रिएक्शन भी है इसके अंदर। अर्पित, तूने कोई पढ़ाई की है? क्या सर? कोई चैप्टर वगैरह याद किए तूने कोई? अब सर मैं तो PYQ कर रहा था, थोड़ी फिजिकल का सर, ऑर्गेनिक पढ़ रहा था ना काफी दिन से, तो थोड़ी फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ा पढ़ रहा था। अच्छा मेरे को बता दिया अगर एक बार अर्पित है। ठीक है सर, कल सुना दूं क्या? मतलब आज सर कल PYQ सुना करने आज। ठीक है तू, सर, कल कल तो सुना होगा नहीं, दूंगा। अगर तू आ जाइयो 3:20 पे ना ओके क्लास में। सर। अब बताओ किसी में क्वेश्चन। प्रियंका, किसने क्वेश्चन किया ये? गर्व हुआ क्वेश्चन कि नहीं? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। और किसी ने किया ट्राई? बहुत इजी रिएक्शंस हैं, सोच के देखो। PH3 गैस की प्रिपरेशन, एक ही रिएक्शन है जिसमें बताई है, एक ही रिएक्शन है जिसमें बताई है PH3 गैस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NH4Cl में ऑप्शन देखोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि सारी रिएक्शन पड़ी हुई है। NH4Cl में कोई हमने सब्सटेंस डाला जिसमें हीट करके गैस मिल रही है, हीट करके गैस मिल रही है। और जिंक में एक्वस डाला है कुछ, जिंक एम्फोटेरिक एलिमेंट है, या तो एसिड डाला होगा या बेस डाला होगा।
विधि है क्लास में, विधि सर। विधि नहीं सोच पा रहे हो क्वेश्चन। कृष्ण सर ये PH3 गैस की प्रिपरेशन वो वाली है, फिर NH2 PO2 जिसमें मिलता है साथ में। आंसर बताना है, आंसर बस। अब मेरे से पूछ मत कुछ कर। क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ H3PO4 हो जाएगा, वो H3PO4 कह रहा हूँ, वाइट फॉस्फोरस हो जाएगा, अच्छा, और सी एल्कली। सी अल्कली। अच्छा सही है, आगे अगर तू चल सही है, सी अल्कली ए वाइट फॉस्फोरस तू कह रहा है, और वो था और डी, सर डी नहीं पता। उल्टा नहीं कर सकता। जैसे तू ए कह रहा फॉस्फोरस, तो सी फॉस्फोरस नहीं हो सकता क्या? वो एक्वस फॉर्म में होगा, सोच के देख रहे एक बार। हाँ सर सी होगा। अब देख सोच करके, अब तो हिंट मिलेगा ना कहीं से। NaOH हो जाएगा ए, हाँ सी फॉस्फोरस और NaOH+ NH4Cl, अमोनिया गैस। अब हो गया पूरा। यस सर। बी क्या होगा? बी तो बताया नहीं। बी क्या है? अच्छा NaOH, H2। बस अब निकल। अच्छा अगर भी ऑप्शन देख के तो पूरा हो जाता ना कि नहीं? हाँ सर हो जाता वैसे क्या बहुत टफ लग रहा सर, टफ नहीं है। फिर मतलब मेरे को वहां से इंट मिला, जो आपने कहा PH3 की एक ही रिएक्शन थी, तो इस वजह से वहां से इंट मिल गया। थोड़ा करो। इवन ये सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ कि वहां पे भी जाएगा ना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से रहकर सोचना पड़ेगा। अच्छा अब ये गर्व से हो गया, और किसी से हुआ है क्वेश्चन? ये सबने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन? ये एक हिंट सब यहाँ बी पे के है, अलावा पीएच सारे हो गए थे, क्यों बोलो नहीं? फिर सब बी के अलावा सारे हो गए थे। फिर तेरे को बोलना चाह रहा है यार। फिर आंसर बोलना चाहिए यस सर। ना। चलो देखेंगे एक बार, एक बार देखो इसको। इसमें ए जो है वो क्या है? एनएच है ना, ए एनएच है। और बी गर्व, इसमें शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? वो क्या कहते हैं, पेन का ऑप्शन? सब आ रहा है हाँ भाग है एनएच, बी है जिंक। तो ये सबको पता है कि जिंक एम्फोटेरिक एलिमेंट है, तो यहाँ पे Na2ZnO2 बहुत कॉमन रिएक्शन है 10th क्लास की, प्लस H2 गैस, प्लस मिला H2S। और ए एक्वस प्लस सी में गर्म करते हैं PH3, तो PH3 की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन व्हाइट फॉस्फोरस के साथ। सी हो गया व्हाइट फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में, ए तो है ही NaOH, तो व्हाइट फॉस्फोरस प्लस NaOH क्या मिलता था? PH3 गैस। तो ए यहाँ पे NaOH कन्फर्म हो गया, और ए यहाँ पे फिर NaOH एक्वस फॉर्म में, और साथ में डाला NH4Cl, तो कौन सी वीकर बेस बाहर निकल जाएगा, यानी NH3 गैस बन जाएगी, यानी NH3 गैस बन जाएगी, सही ना? या अब शिवम से हो गया था लगभग। शिवम से क्यों नहीं हुआ ये H2 गैस वाला? कोई भी एम्फोटेरिक एलिमेंट है NaOH के साथ या HCl के साथ H2 गैस देता है ना। ये सर से याद नहीं आया, ये मतलब स्ट्राइक नहीं किया दिमाग में। यस अभी समझ आ गया? अच्छा सर। एक बार इसमें से 12th वाले जो बच्चे हैं ना, इसमें से आयुष, तेरे को समझ आया क्वेश्चन ये? आयुष चित्राक्ष यस सर आ गया। को, यस सर। चित्रा नोट करते रहे, सारे क्वेश्चन अच्छे वाले हैं। यस नेक्स्ट सर क्वेश्चन। कर रहा हूँ। हाँ अब ये 12th क्वेश्चन, जिसने आरसिन टेस्ट पढ़ा हुआ वही कर पाएगा, जिसने आरसिन टेस्ट पढ़ा हुआ है, जो कि आर्सेनिक और एंटीमनी के लिए होता है। आरसिन टेस्ट आर्सेनिक और एंटीमनी के लिए होता है। देखो इसमें होता क्या है, एक बार सुन लेंगे जरा। कंपाउंड है आर्सेनिक का, इसमें जिंक के साथ एच प्लस डालते हैं, एच प्लस एचसीएल से भी आते हैं और H2O4 से भी आते हैं, तो इससे मिलता है पॉइजनस कंपाउंड ASS3। पॉइजनस कंपाउंड मिलता है ASS3, इसको रेड हॉट कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे, तो As2H2, As+3/2H2, और As जो है वो सिल्वरी ब्लैक होता है। As क्या होता है? सिल्वरी ब्लैक। हाँ अगर बोल। सर मैं पूछ रहा था वो क्लास एक ही होगी।
क्लास एक ही सेशन होगा ना? एक 10 मिनट और लूंगा उसके बाद बस अच्छा सर, कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस हो पाएंगे? सेपरेट तो कर दिए मैंने। कर दिए 15 16 हाँ तक कर दिए तो बहुत है, 16 तक कर दिए मैंने तो अभी बहुत है, 14 तक कर दिए। 14 कर दिया ना, चल सही क्वेश्चन है, 15 तक ठीक है तो सर। कर, अगर हो जाता तो कर दियो। हाँ ये समझ आ गया कि हाँ अभी कर। आर्सेनिक टेस्ट की नहीं, आर्सेनिक टेस्ट समझ आ गया है, ये आर्सेनिक और एंटी, आर्सेन से याद रखना, आर्सेनिक और एंटीमनी के लिए है, दोनों के लिए, एंटीमनी होगा तो SbS3 और ये भी सिल्वरी ब्लैक होता है, ये भी सिल्वरी ब्लैक होता है, आर्सेन और एंटीमनी के लिए टेस्ट चाहिए, आर्सेन और एंटीमनी के लिए, क्या क्लियर हो गए हैं? यस सर। याद करेंगे इसको, आर्सेनिक में या एंटीमनी में जिंक प्लस H+ डालेंगे, जिंक प्लस HCl डालेंगे या जिंक प्लस H2O डालेंगे तो AsH3 मिलेगा पॉइजनस कंपाउंड, या SbS3 मिलेगा पॉइजनस कंपाउंड, गर्म रेड आउट कर देंगे तो सिल्वर और Sb अलग हो जाएंगे, Sb है तो Sb और साथ में H2 गैस, साथ में H2 गैस, और As जो है सॉल्युबल होता है NaOCl के अंदर, Sb उतना सॉल्युबल नहीं है, तो इसको तो याद कर रहे हैं एज इट इज, आर्सेन टेस्ट कहते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी के लिए। अब तुम्हें ट्राई करना है 13th को, ये कैसे चलता है, बहुत सारे हिंट है इस क्वेश्चन में, 13th क्वेश्चन, जिसने रिडॉक्स टाइट्रेशन भी किया हुआ उससे भी हो जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन रीड करो ढंग से, और अच्छा क्वेश्चन है, निकलना चाहिए आंसर इसका, तो सर स्पेस आ गया। हाँ आ गया स्पेस, आ गया स्पेस, अच्छा नव्यांश, यस सर। नव्यांश तेरे को क्या ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आया था, जिंक वाला, जिंक प्लस NaOH वाला, सर पहली बार पढ़ी थी वो रिएक्शन, समझ गया अच्छा लेकिन। रिएक्शन नहीं, तो जिंक प्लस NaOH रिएक्शन तो पढ़ रखी ना, पहली वाली रिएक्शन जिंक प्लस NaOH, हाँ वो वाली पढ़ रखी है। अब वो पढ़ के जितना होता है तो कर ले एक बार, जितना होता है कर ठीक ले, है कहेगा सर। तो मैं तेरे को भेज दूंगा लेक्चर, इन लोगों ने ना 11th में कर रखा है सब बच्चों ने, ओके ये चक्कर, एक क्वेश्चन भी ना एडवांस लेवल वाले हैं सारे, फिर भी देख कितना समझ आता है तेरे को।
हो गया क्वेश्चन। सर इसमें ये फोर्थ वाला समझ नहीं आया। देखो इधर ध्यान से देखना बिल्कुल, जिसको जिसको नहीं समझ आ रहा ना नोट कर लेना जरूर। देखो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रैंडम कंपाउंड एस एक्स गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्स जो है ये पांच हिंट दे रखे हैं, पांच में से तुम्हें एक हिंट पकड़ना है बस कि आंसर तुम्हें मिल जाए। तो इट गिव्स ब्राउन पीपीटी विद अल्कलाइन के बना फोर, तो तुम्हें ये पता ही है एमएनओ फोर नेगेटिव अगर मीडियम अल्कलाइन है, एमएनओ फोर नेगेटिव प्लस H2O2 ये देगा रिएक्शन MnO2 का। MnO4 नेगेटिव यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजेंट ये होगा, रिड्यूसिंग तो मिलेगा साथ में क्या O2 Kn4 के साथ। आगे हिंट दे रखा है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये इट फॉर्म्स HCl एंड ब्लू एंड वॉल्स O2 व्हेन रिएक्टेड विद Cl2 गैस। H2O2 प्लस Cl2, यहाँ Cl2 ऑक्सीडाइजिंग है, H2O2 फिर रिड्यूसिंग है, तो मिल जाएगा HCl प्लस O2। पूरा हिंट जो है H2O2 को कहां से मिलेगा वो चेक कर लो, इट लिबरेट्स I2 फ्रॉम एसिडिफाइड KI, KI के साथ H2O2 प्लस KI। I माइनस यहाँ पे रिड्यूसिंग होता पता ना, I माइनस रिड्यूसिंग तो H2O ऑक्सीडाइजिंग। यानी ये जो X है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजिंग भी है रिड्यूसिंग भी है। ये आते ही दिमाग में क्या आता है, ये आते ही दिमाग में क्या आएगा, H2O2 मोस्ट कॉमन कंपाउंड है, ये मोस्ट कॉमन कंपाउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट हिंट आ गया फोर्थ वाला, इट गिव्स ऑरेंज येलो कलर विद एसिडिफाइड टाइटेनिक सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ ये H2O2 का पता लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, H2O2 प्लस, जिसने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन चैप्टर उसको तो पता होगा, मेरे लेक्चर से जिसने किया हुआ है उसको पता होगा है, टाइटेनियम सल्फेट से रिएक्शन होती है तो मिलता है पर टाइटेनिक एसिड, जिसमें टाइटेनियम की स्टेट +4 ही रहती है क्योंकि इसके अंदर परोक्साइड लिंकेज होती है। समझ गए कि नहीं, H2O2 प्लस एसिडिफाइड है प्लस H2O4, तो ये मिल जाएगा पर टाइटेनिक एसिड। क्लियर है कि नहीं है, ये H2 आएगा, H2O2 प्लस हाँ यही आएगा सही ना, H2Ti4। क्लियर है कि नहीं है, यस सर। लास्ट वाला हिंट है सबसे इंपॉर्टेंट, और कर लेना इसका ऑरेंज येलो कलर, प्रेसमेट वगैरह नहीं है ये, याद कर लेना कहाँ से क्या आ जाए, एडवांस में कुछ पता नहीं है, तो ये लास्ट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी हिंट मेन हिंट जो पकड़ा जाएगा यही है वो, दूसरा हिंट मान लो इसके बारे में तुम्हें नहीं पता क्योंकि इसके बारे में कम बच्चों को पता होता है, तो यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि H2O2 तो रिड्यूसिंग एजेंट भी है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि Cl2 तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, यहाँ पे ये काम कर रहा है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, यानी ये सब्सटेंस ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों का काम कर रहा है, इसलिए सबसे पहले दिमाग में यही आता है H2O2। क्या क्लियर हुआ ये, किसी ने निकाल लिया था आंसर कि नहीं, किसी ने भी आंसर निकाल लिया उसका, नहीं निकला किसी से भी। अच्छा समझ किसको आ गया ये, एक बार हैंड से समझ आ गया, सर और ये यहां से भी ऑप्शनों समझ से नहीं कौन आया, निकल, MnO2 जो मिला ब्राउन पीपीटी से भी समझ नहीं आया था, ब्राउन पीपीटी MnO2 का होता है। सर नहीं ये तो पता थी, मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्शन होते तो हो जाता। अच्छा ऑप्शन हो जाता सर, शिवम को समझ आ गया, चित्राक्ष को, आयुष को, विधि को, आरशी को, नव्यांश, नव्यांश समझ आ गया तेरे को, हाँ जी सर, सर रिएक्शन याद नोट नहीं थी, पढ़ी हुई है लेकिन वाली। पड़ी हुई है, चल सही, फिर तू नोट कर और फिर क्लास अटेंड कर ले बेचारे। हितेश को आ जाएगा, चलिए काजल, कृष्ण, कृष्ण को नोट कर लेना, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ एक एक चीज नोट कर लेना, एडवांस में इन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आएंगे, मैंने कहा ना इस टाइप के लगभग 80 से 90 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, 20 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका पहले मेंस लेवल के सिंपल वाले, हिमांग, कीर्ति, अर्पित समझ आ गया तेरे को, चलो यस सर। आर्यन को, चेतन को, ध्रुव को, इन तीन चार बच्चों को समझ नहीं आया, चलो नोट करना है क्वेश्चन, और एक काम करेंगे 14 क्वेश्चन जो है ना, 14 क्वेश्चन एक बार रिजॉइन कर लो, पहले रिजॉइन कर लो 10-15 मिनट के लिए, वो 2-3 क्वेश्चन और करेंगे बस।